हाय गाइस, वेलकम टू एमबीज मैन केव। और आज के फैन फ्राइडे में हम लेकर आए हैं एक और बहुत ही ज्यादा पॉपुलर विस्की, वैट 69। मुझे याद है कि मैं बचपन में अपने डैड को देखा करता था ये विस्की पीते हुए, और आज भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है ये विस्की। लेकिन ऑनेस्टली मैंने आज तक ये विस्की कभी नहीं पी, और आप लोगों की वजह से मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिलती है नई नई चीज़ें ट्राई करने की, और आज मुझे ट्राई करने को मिलेगी ये वैट 69। एक ब्लेंडेड स्कॉच विस्की है और इसे लॉन्च किया था 1882 में मिस्टर विलियम सैंडरसन ने, जो कि लिक्योर एंड विस्की के ब्लेंडिंग का बिजनेस करते थे। एंड नो, डिस्पाइट पॉपुलर ओपिनियन, इस विस्की का नाम उनकी फेवरेट सेक्सुअल पोजीशन पर नहीं रखा गया है। 1882 में मिस्टर विलियम सैंडरसन अपना बेस्ट ब्लेंड ढूंढ रहे थे, तो इसके लिए उन्होंने 100 डिफरेंट बैरल्स तैयार करे, या फिर जिसको हम कह सकते हैं 100 डिफरेंट वैट तैयार करे, और उन बैरल्स में थे 100 डिफरेंट तरह के ब्लेंड। और इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए उन्होंने कुछ विस्की एक्सपर्ट्स को इन्वाइट किया कि वो आए और टेस्ट करके बताएं कि बेस्ट ब्लेंड कौन सा है। और उनके डिसीजन के अकॉर्डिंग जो बेस्ट ब्लेंड था वो था बैरल नंबर 69 का, या फिर वैट नंबर 69 का। तो मिस्टर सैंडरसन ने उस डिसीजन को एक्सेप्ट किया और उसी ब्लेंड को बॉटल करके बेचना शुरू किया, और उसका नाम उन्होंने उसी वैट के नाम पर रखा, वैट 69। अब दो चीज़ें मेरे दिमाग में आती है। एक तो ये ऐसे कैसे एक्सपर्ट्स थे कि जो 100 तरीके की विस्की पी गए, हम यहाँ 4 पी के फैल जाते हैं और वो वहाँ पे 69 तक पहुँच गए और फिर कह रहे हैं आई थिंक आई लाइक दिस वन द मोस्ट। और सेकेंडली, अभी जितने भी हमने बड़ी ब्रांड्स के रिव्यू किए हैं, चाहे वो ब्लैक एंड वाइट हो या जैक डेनियल्स हो, आप देखेंगे कि उनके नाम के पीछे कुछ स्टोरीज हैं, लेकिन वो स्टोरीज बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं। हम कई बार सोचते हैं कि जैक डेनियल्स ओल्ड नंबर 7 के पीछे क्या स्टोरी होगी, लेकिन जब वो स्टोरी हमें पता लगती है तो हम सोचते हैं ये तो बहुत ही सिंपल चीज़ है यार। और दोस्तों, यही राज होता है एक सक्सेसफुल कंपनी का, वो सिंप्लिसिटी में ही क्रिएटिविटी ढूंढ लेते हैं। वहीं यहाँ कुछ इंडियन कंपनीज हैं जो कुछ भी उठा के एक रैंडमली नाम रख देती हैं, जैसे आफ्टर डार्क, ओल्ड हैबिट, डायरेक्टर स्पेशल, मतलब कुछ भी। मैं ये नहीं कह रहा कि ये खराब विस्कीज हैं, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये लोग विस्की की क्वालिटी से ज़्यादा दूसरी चीज़ों पर ध्यान ज़्यादा देते हैं, जबकि इसका बिल्कुल ऑपोजिट होना चाहिए। एनीवेज, जो लास्ट नोन प्राइस है इस विस्की का वो है 1400 इन दिल्ली, बट कुछ टाइम से ये विस्की दिल्ली में अवेलेबल नहीं है। एंड जस्ट लाइक अदर बजट स्कॉच विस्कीज, ये भी इंडिया में लाई जाती है बैरल्स के अंदर, और उसके बाद इसे इंडिया में बॉटल किया जाता है, पहले से वाटर के साथ डाइल्यूट किया जाता है और उसके बाद फिर बॉटल करके बेचा जाता है। एंड टुडे इट इज़ ओन बाय डियाजियो, विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड। बॉटल खोल के मैं पोर करना भूल गया, कोई बात नहीं, थोड़ी देर खोल के इसको रख देते हैं। चलिए नोजिंग पर आते हैं। सॉफ्ट नोट्स है काफी इसके, रिच मॉल्टी नोट्स हैं, काफी ड्राइनेस फील हो रही है मुझे नोज पर, जो एक स्वीटनेस होती है एक बजट स्कॉच विस्की से वो ज्यादा फील नहीं हो रही है। स्मोक भी ज्यादा फील नहीं हो रहा है मुझे कुछ ऐसा खास। चलिए टेस्ट पर आते हैं सीधा। काफी अच्छा वार्म टेस्ट है इसका, ड्राई फ्रूट्स का, आलमंड्स, मॉल्ट, वेनिला, बहुत ही फेंट है वेनिला का जो टेस्ट है। ओवरऑल बहुत ही स्मूथ विस्की है, मुझे बिल्कुल भी हार्शनेस फील नहीं हो रही, स्पेशली कंसिडरिंग कि एक बजट स्कॉच विस्की है। आई थिंक बहुत फ्रेंडली है, कोई भी इसे बहुत ही आराम से पी सकता है। पूरी ख़त्म कर दी मैंने, काफ़ी अच्छी लगी है मुझे विस्की, काफ़ी अच्छा फिनिश है इसका। ओवरऑल टेस्ट में बोलूँगा कि काफ़ी प्लेजेंट है। अगर आप नॉर्मली विस्की नहीं पीते तो आई थिंक उस केस में आपको ये विस्की बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि एक काफ़ी अच्छी बजट स्कॉच विस्की है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इसमें, एक सिंपल विस्की है, प्लेजेंट एंड स्मूथ, अच्छा फिनिश देती है, आफ्टर टेस्ट काफ़ी अच्छा है इस विस्की का। सो ओवरऑल आई वुड से इट्स अ प्रीटी प्लेजेंट एक्सपीरियंस फॉर अ स्कॉच ड्रिंकर।
तो स्कोरिंग की अगर मैं बात करूं और पहले बात करते हैं टेस्ट के स्कोर की, तो जैसे मैंने बोला कि डेफिनेटली एक बहुत ही प्लेजेंट एक्सपीरियंस है इस विस्की को पीने का। कुछ बुराई नहीं लगी मुझे इस विस्की में, बट एट द सेम टाइम इट्स अ वेरी जेनरिक स्कॉच विस्की, बट दैट डजंट मीन कि आपको ट्राई नहीं करनी चाहिए। इसमें कुछ बुराई नहीं है। अगर आप स्कॉच विस्कीज ट्राई करना चाहते हैं देन आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेस टू स्टार्ट। बट एट द सेम टाइम आई थिंक कुछ और विस्कीज जो मैंने ट्राई करी रिसेंटली, जैसे कि ब्लैक एंड वाइट या टीचर्स या फिर इवन ब्लैक डॉग, वो मुझे थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगी एज कम्पेयर टू दिस। तो टेस्ट के इस विस्की को मैं दूंगा 8 out of 10। एंड फॉर वैल्यू फॉर मनी आई थिंक कोई बुरा प्राइस नहीं है इसके लिए। एक अच्छी बजट स्कॉच विस्की है, तो उस हिसाब से वैल्यू फॉर मनी की इसमें मैं दूंगा 8.2 out of 10। तो इसका MB's Man Cave स्कोर होता है 8.1 out of 10। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि लास्ट फैन फ्राइडे में हमने डिसाइड किया था कि पोलिंग करेंगे फैन फ्राइडे के लिए, तो उसका क्या हुआ? तो उसमें हुआ ये कि YouTube सिर्फ 5 ही ऑप्शन अलाउ करता है एक पोल में, और मैं कोशिश कर रहा था कि आपको 20 ऑप्शन दे दूँ जिसमें से आप डिसाइड करो। तो वो मेरा जो आइडिया था वो फ्लॉप हो गया, बट दैट्स ओके। नेक्स्ट वीक फैन फ्राइडे में आप लोगों के लिए करूँगा एक और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर विस्की जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है इस चैनल पर, 100 Pipers। तो आई थिंक आप लोग डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे। और उसके बाद आगे कैसे बढ़ना है फैन फ्राइडे में वो हम डिसाइड करते हैं। तब तक अगर आप लोगों के पास कुछ आइडियाज़ हैं तो बताइए। आप लोग सब सजेशन देते हैं विस्की के, विच आई अप्रिशिएट, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उन सजेशंस को पूरा करूँ। बट कैसे डिसाइड करें फैन फ्राइडे में किस चीज़ का रिव्यू करना है, वो चीज़ का आइडिया अगर आपके पास है तो उसका आइडिया मुझे बताइए, क्योंकि उसकी मुझे ज़्यादा ज़रूरत है अभी। तो ये था हमारा आज का रिव्यू वैट 69 विस्की के ऊपर। कैसा लगा है आपको प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ इस चैनल पर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए चीयर्स।